इंडिया भाइयों को नमस्कार और देश दुनिया को पूरे वर्ल्ड को नमस्कार। गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हर कलाकार का जब कोई भी फिल्म या म्यूजिक किसी भी माध्यम से उसका कुछ रिलीज होता है तो उसके लिए ईद और दिवाली होती है। हम लोग खूब संघर्ष करके जब किसी चीज़ को दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं तो बहुत घबराहट रहती है कि पता नहीं इसको पब्लिक एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन ज़िंदगी में मैंने क्रिकेट बहुत खेला है, इसलिए मैं सिंगल रन को अपनी जिंदगी जीवन में बहुत मायने देता हूं, क्योंकि सिंगल रन बना बना के ही सेंचुरी बनती है। तो हम लोग ने कोशिश की है, JX म्यूज़िक कंपनी जो जावेद मीर साहब ने शुरू की है, माशाल्लाह मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जावेद मीर साहब का, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया और एक नहीं तीन तीन गाने बनाए और तीन गानों के साथ एक म्यूज़िक चैनल लॉन्च किया जिसका नाम है JX स्टूडियो म्यूज़िक कंपनी शुरू की। इसी गाने से आज माशाल्लाह एक कंपनी का निर्माण होगा। तो कहते हैं, जैसे कि आप सब जानते हो कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया होता है, जैसे कभी आप भी नए थे कभी मैं भी नया था। हम लोग काम करते करते कहते ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम लोग बूंद बूंद से कोशिश कर रहे हैं घड़ा भरने की। जैसे कि आप सब जानते हैं आजकल गरीब घरों से लड़के लड़कियों का एक्टर बनना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत कठिन काम हो गया है। लेकिन अगर इंसान मेहनत करता रहे, कुछ ना कुछ करता रहे, कहते ना अब से काफ़ी साल पहले राज कपूर साहब ने कहा था कि द शो मस्ट गो ऑन, जद्दोजहद जुस्तजू हमें अपने जीवन में अपने कार्य में जिस क्षेत्र में भी हम हैं उसमें करते रहने चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को। तो मेरा मानना ये है कि आज माशाल्लाह बाबा न्यूज़ माध्यम के चैनल के माध्यम से और जावेद मीर साहब के माध्यम से हमने देश दुनिया के लिए एक म्यूज़िक वीडियो प्यारा सा बनाया है, उसका पर्दापण हो जाएगा इंशाल्लाह आप सबके सामने। तो उम्मीद करता हूँ देश दुनिया के सभी लोग, काफ़ी लोग इसको सब पसंद करें और जैसे कि आप सब मुझे दुआएं प्यार आशीर्वाद दुआएं देते हैं उस तरह से आप मुझे अपना प्यार आशीर्वाद दुआएं दें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह, जैसे कि आपको मैं बता दूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह मीर साहब के और हमारे काफ़ी लोगों के सहयोग से, एम मकसूद साहब के सहयोग से सुल्ताना फिल्म माशाल्लाह फ्लोर पे है, कंटिन्यू शूटिंग चालू है। 5 तारीख से हम बॉम्बे फिल्म सिटी में शूट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अगले महीने तक फिल्म शुरू हो जाएगी, बहुत जल्दी इंशाल्लाह उसका पर्दापण आपके सामने करेंगे। और मैं ये बताता हूँ कि हमारे बीच में काफ़ी सारे लोग हैं, कल्याण जी हैं हमारे, सुनील पाल जी हैं, गोयल साहब हैं, इरफान भाई हैं, आलम भाई हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं जो इस वक्त हमारे साथ में है। मैं सभी दोस्तों का और जहाँ तक भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार दुआएं आशीर्वाद मुझे इसी तरह देते रहें, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मीर साहब ने और हमने काफ़ी पैसे खर्चे किए एक्चुअली, और काफ़ी जगह हमने मतलब इसके लिए, जैसे कि हम लोग दुबई भी चले गए थे, 15 दिन हम लोग दुबई रहे, कल्याण जी के माध्यम से भी हम लोग एक अवार्ड शो भी गए, लोकेशन देखे अपने, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन किसी वजह से हम लोग दुबई में शूट नहीं कर पाए। फिर हमने कोशिश करके इसको मुंबई में बेहतरीन लोकेशनों पर फिल्माया। तो बहुत प्यारा DID का एक जो सिंगिंग कंपटीशन होता है उस कंपटीशन के लड़के आयुष शर्मा ने इसको गाया है, बहुत ही प्यारी सुरीली आवाज़ में है माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको खूब पसंद आएगा, बस इंशाल्लाह बहुत जल्दी, आज आपने पोस्टर देख ही लिया है, गाने भी देख लिए, बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको ये गाना YouTube चैनल पर JX म्यूज़िक स्टूडियो पर आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये देखने को मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक नया टैलेंट को आपने कौन निकाला, मान लीजिए बहुत सारे टैलेंट हैं, कमाल भाई क्या टैलेंट दिखा आपने?
पहले तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और आए हुए सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। बड़ा कीमती समय निकाल के सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टैलेंट का जहाँ तक सवाल है तो वो अपने आप नज़र आ जाता है। काफ़ी लोग के साथ उठना बैठना होता है तो उसमें कमाल ने मुझे हमेशा एक नज़र आया कि ये एक्टर है, आने वाले कल में एक काफ़ी राइज करेगा। और इसी के साथ कमाल के साथ साथ इरफान रजा मेरे साथ में काफ़ी टाइम से हैं, तो सब लोग एक बहुत बड़ी टीम बनती गई और हम लोगों ने काम को शुरू किया। फिर काफ़ी लोगों से मिलना जुलना करते करते डिसाइड किया कि एक अपना खुद का म्यूज़िक कंपनी चालू करते हैं, उसको यूट्यूब पर चालू करेंगे और उसी के माध्यम से आज हम आपके सामने हैं और काफ़ी चीज़ें करने का प्रोग्राम बना के बैठे हैं। इसका लिरिक्स इसी टाइप का है, बसेरा से मीट आउट होता है तो वो उसी हिसाब से रखा है। नहीं, शूट के दौरान हमारी पूरी टीम इतनी अच्छी टीम साथ में थी कि ना 1% भी कोई परेशानी नहीं हुआ। सब लोगों ने फुल सपोर्ट किया और फुली कोऑपरेट किया, शुरू से लेके आखिर तक बहुत अच्छा काम हुआ। सॉरी, बसेरा के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? बसेरा एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, अभी आप सुनेंगे उसको देखेंगे। और ये बहुत ही रिसर्च के बाद, काफ़ी लोगों के गाने सुनने के बाद ये बसेरा गाना तैयार हुआ है। और इसको मैं अगर अभी स्टोरी रिवील कर दूंगा तो फिर थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। आप गाना देखिएगा, बहुत प्यारा गाना है। और जावेद भाई ने जो एक जैक्स स्टूडियो म्यूज़िक कंपनी चालू हो रही है, आज आप लोग यहाँ पर हैं, आने वाले दिनों में एक ये बड़ा नाम होगा इंशाल्लाह। और आप लोग बेहतरीन दुनिया भर के गाने, वर्ल्ड म्यूज़िक आप इस पर सुनेंगे इंशाल्लाह। तीन चार गाने हैं इसमें, एक आपको लगे मुझे बसरे के वेडिंग याद नहीं मिलेगी, तेनू के समझा मैं उसके गाने दो लाइनें गाता हूँ। तेनु की समझा तू की निकला, झूठ निकला सारे तेरे वादे, तू याद में तू याद जो अब अब आया होए दिल में आया होए, तू याद आया होए। तो सॉरी मैं सिंगर तो नहीं लेकिन मैंने कोशिश की, बहुत प्यारा लिरिक्स है, इंशाल्लाह आप सबको खूब पसंद आएगा। भाई जब देखो कोई भी प्रोजेक्ट पे जब कोई काम करता है तो उसमें वो बड़ी मुशक्क़तें लगती है उसको बनाने में, लेकिन माशाल्लाह बड़े प्यार से बना और बड़ा अच्छा अभी दुनिया के सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे मीडिया का, पूरे जगत का, पूरे वर्ल्ड का। थैंक यू सो मच। सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। इस प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सबको और इसमें जितने भी कास्ट आए उनको सबको और ख़ास करके मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मैंने कई म्यूज़िक वीडियो में गया हूँ मगर आज इसलिए मेरे लिए बड़ा दिन है कि मेरा लाडला चहिता स्टारों का स्टार सुपर स्टार कमाल खान साहब, कमाल जी इसमें हीरो हैं जिसका टाइटल है बसेरा, जावेद मीर साहब इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। मैं देखे इतने एल्बम देखे, इतने गाने मैंने सुने, मैंने खुद ने भी 2500 से ज़्यादा गाने किए हुए हैं। तो इनका गाना सुनने के बाद में ऐसा लगा कि जितना प्यारा टाइटल है और जिस हिसाब से लड़का लड़की ने काम किया, कमाल साहब ने जो काम किया है और जावेद मीर साहब ने जो इसमें डायरेक्शन दिए, बहुत ही कमाल की दी है। और मैं समझता हूँ कि 2023 का सबसे बड़ा हिट म्यूज़िक होगा ये, और मेरी तो दुआएँ हैं, आशीर्वाद है, बाकी मीडिया है जो इसको चलाएंगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब जब कोई नई चीज़ आती है और नए कलाकार आते हैं तो नए कमाल साहब नए नहीं है मगर जब भी वो आते हैं तो हमेशा नए अवतार में आते रहिए। जो बसेरा में जो आए बहुत ही कमाल लग रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ कि शॉर्ट शॉर्ट होगा और इस साल का सबसे बड़ा एल्बम होगा ये। सबसे पहले तो मैं कमाल खान, जावेद मीर मेरे छोटे भाई हैं। जब से कमाल खान तो खैर पहले से मुंबई में है, मैं तो 2010 में आया हूँ पिपली लैब के बाद में, तो जब से मिला हूँ कमाल खान को जान रहा हूँ मैं, उन्होंने कैसे कैसे काम किया और
आज वो जो काम किया है और कर रहा है उसको मैं देखते आ रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले उसको बहुत बहुत ऊपर वाले से, अल्लाह से, भगवान से ये दुआ करूँगा कि उस और अपना नाम कमाते रहे, आगे बढ़ते रहे। और बसेरा जो है एल्बम, वो हर किसी के दिल में बसेगा, हर के दिल में बसेगा। बसेरा मतलब कहीं भी ऐसा नहीं छूटेगा कि जहां वो नहीं बसेगा। ये मेरी तहे दिल से दुआ है कमाल खान के लिए। और जावेद मीर साहब जो प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो कमाल खान को एक बहुत बड़े मौका दे रहे हैं और देते आ रहे हैं। और हमने इस बसेरा के अलावा एक फिल्म भी किया है कमाल भाई के साथ में, जिसका नाम है सुल्ताना। वाह वाह। अभी उसका कुछ रिली शूटिंग बचा हुआ है, कुछ किए हैं, अभी शायद इस अक्टूबर में चालू होगा। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है इनका, काम हुआ है कि आगे बढ़ते रहें और इसी तरीके से बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। और इंडस्ट्री में तो कोई एक बैग बैठ के नहीं बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा करके आगे सब बढ़ते रहते हैं। और एक रात में किसको कब भी कति स्टार बना दे, ऊपर वाले जानता है। तो मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा, अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि इस बसेरा रिलीज एल्बम के बाद रातों रात हमारे कमाल भाई स्टार बने, सुपर स्टार बने। वाह। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। मैं इस तरह के फंक्शंस बहुत साल से देख रहा हूँ, मैंने भी बहुत काम किया है। और मीडिया जिस तरह से आज यहाँ छाई हुई है, बहुत दिनों के बाद में देखा है इतना मीडिया का होना, बहुत अच्छा साइन है प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए। जावेद मीर साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और ताहिर कमाल खान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं एक ही बात कहूँगा, आज इंडस्ट्री का बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है इस वक्त, इतना बढ़िया टाइम चल रहा है कि बहुत सालों के बाद में ये देखने को मिल रहा है। गदर 2 सुपर हिट, पठान सुपर हिट, जवान सुपर हिट, और बसेरा भी सुपर हिट। माँ हमारी पाती माँ, गाली गलौज फिल्म जल्दी आ रही है, OTT पर आ रही है। फिल्म का नाम गाली गलौज है, लेकिन फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं है, एक फैमिली फिल्म है, वो भी स्टैंड अप कॉमेडी की फिल्म है। और मैं जब जैसे मैंने कहा कि स्टार स्टैंड अप कॉमेडी फैमिली वेलफेयर फेडरेशन जो हमारी शुरू हुई है, जिसका हमने शॉर्ट फॉर्म रखा है, शॉर्ट फॉर्म भी बड़ा मशहूर है, SSCFWF। मुझे लगता है कि मज़ा आएगा। और साथ में मेरा ये दोस्त यहाँ पर मौजूद है, अमित जाधव, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सोनू निगम साहब ने इन्हें चैलेंज दिया था कि जो गाना तुम गाने वाले हो उसको या तो नॉर्मल गाओ या तो उसके ऊपर रिकॉर्ड पर डांस करो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो इन्होंने चैलेंज स्वीकार किया था, इनके अंदर वो एक्स फैक्टर जो है, वो एक्स फैक्ट्री इनके अंदर, तो ऐसा ज़बरदस्त गाना गाया था कि संजय जाधव साहब तब से लेके अब तक जवा दिलों की धड़कन है। मैं चाहता हूँ कि उनसे भी आप बात करें, और मेरी फरमाइश है कि बातचीत से पहले वो दो लाइनें जो आपने गाई है KK साहब की, वो ज़रूर हो जाए। ये माइक जा रही है, आवाज़ जा रही है। चलो ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे गाऊंगा तो शायद आवाज़ ओपन अप होगी कि नहीं पता नहीं। कल्याण जी भाई, कैन आई हैव द माइक प्लीज? कल्याण जी, आनंद जी, सॉरी, मुझे लगा कल्याण जी। हेलो। हाँ ये ओके, थैंक यू सो मच। ये हमारे टाइम में कहाँ थे? क्या बोला जाते नौटंकी आज के लिए? बोलो बोलो, किस 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 मुद्दे पे? रोज तो नौटंकी होती है, एक प्रॉपर मुद्दा बोले तो मैं जवाब दे सकता हूँ। FIR कोई खाने का काम तो नहीं है, जो FIR हो जाएगी वो पुलिस स्टेशन गई थी, उन्होंने कुछ कंप्लेंट किया है ये भी मुझे पता नहीं है जो, लेकिन उसके थोड़े देर पहले जो मेयर तनुश्री जी गए थे तो हमने तो प्रॉपर उनके ऊपर कंप्लेंट की है, उसकी जार्ज होगी, उसके बाद जाके FIR होगा। उसने एक मीडिया ग्रुप बना रखी है, ठीक है, उसको
वॉइस ओवर का विरोध कभी ना दूर करने का, अजीब अजीब से फोटो वीडियो डालते रहते मीडिया ग्रुप, आप बहुत सारे देखे कोई मीडिया ग्रुप नहीं बना रहे, इसलिए मीडिया ग्रुप बना रखे पर्सनली, तो क्या बोलना चाहते हैं उसके लिए? लीगल ये है नहीं, पर्सनल मीडिया ग्रुप बना के है, अगर आप लोगों को इरिटेट हो रहा है तो मैं आपसे प्लीज विनती करता हूँ कि आप पहले उसको ग्रुप को छोड़ दें, ग्रुप में ना रहें, और जो भी कुछ अच्छा काम है उसको कवर करें, ये कंट्रोवर्सी करके लोगों को गुमराह ना करें और लोगों का वक्त जाया ना करें। नहीं, बुरा काम के लिए है ना सर, हाजी साहब है ना, आप क्यों चिंता करें? बसेरा में आए हो, कुछ बसेरा बसेरे होने के लिए कुछ आप कुछ दे, कहीं बस जाए, बसेरा मैं राखी को कोई टिप्स नहीं दे सकता, कोई मुझे ही टिप्स दे दे ये बहुत बड़ी बात है, मैं राखी को कोई टिप्स ही नहीं दे सकता, वो एक पिक्चर है, वो बड़ी सीरीज है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। अर्जुन चोपड़ा और राखी ने दोस्ती कर ले, पहले आपके खेमे में थी अर्जुन चोपड़ा, लेकिन अभी राखी के खेमे में चले गए, क्या बोलना चाहते हो? वो आगे से आई थी दोस्ती का हाथ बढ़ा के, मेरी बाद में मेरी बहन बनी, मेरी बहन है, हर हमेशा मेरी बहन रहेगी, नो कमेंट्स ऑन दैट। ये मेरे इसके लिए जो हम गए थे हमने, और सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा राखी को, एक कल एक क्लिप में बोल रही थी मेरे एडवोकेट को कॉल करना बंद करो, मेरे साहिब भाई को बोल रही थी, ये तो एटलीस्ट क्या काम के लिए कॉल किए थे, उनका कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी है वो मुझे नहीं डिस्क्लोज करना है। सबसे पहले तो राखी गई थी इनके पास, हाथ पैर पकड़ के इनके पैर पकड़ी थी राखी, तो ये तो नहीं गए थे राखी के पास, या राखी को उनके एडवोकेट को ये जो कॉल किए हैं कुछ दूसरे मैटर के लिए कॉल किए हैं, वो ये कभी भी अनएथिकल काम करते ही नहीं है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, राखी मेरी बहन है, कल उन्होंने ये बोला कि मैंने उनके एडवोकेट लोगों को फ़ोन किया, मैंने बिल्कुल भी फ़ोन नहीं किया, जिसके लिए बहुत सी मीम्स बनी है कि राखी प्रूफ दो, राखी प्रूफ दो। दूसरी बात, आदिल के पास एडवोकेट नहीं है, आदिल के पास फैल्कन लीगल है, फैल्कन लीगल एक रेप्यूटेड लीगल फर्म है जिसके पास इन हाउस 30 एडवोकेट है जो पूरे के पूरे आदिल के पीछे एक ताकत बन के खड़े हैं। क्या बात हो, आदिल को एडवोकेट की ज़रूरत नहीं, उसके पास पूरा लीगल फर्म है, तो यू नो इसने बोला एडवोकेट, वो एडवोकेट नहीं है, ये नहीं है, आदिल मेरा भाई है, आदिल मेरा दोस्त है, और मरते दम तक हम आदिल के साथ खड़े रहेंगे। दूसरी बात कि उन्होंने ये बोला कि आप हमारे एडवोकेट को फ़ोन कर रहे हो, आप एक सबूत दीजिए कि हम फ़ोन कर रहे हैं, उनके जो एडवोकेट हैं वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, हमेशा रहेंगे, हम रोज़ मिलेंगे, पर हमारा मिलना राखी और आदिल से लेना देना नहीं है, वी आर वेरी प्रोफेशनल, वी नेवर डू एनीथिंग विच इज़ अनएथिकल, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यस मैं उनके एडवोकेट के पास बिल्कुल नहीं गया था, बट हमारी ऑफिस में, ये मुझे बोलना नहीं था पर मैं आज बोल रहा हूँ, हमारी ऑफिस में राखी सावंत आई थी, वो उन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा, वो चाह रही थी कि हम आदिल का केस छोड़ दें, पर हमने उनको एक एज अ वुमेन, एज अ बहन, हमने बहुत रिस्पेक्ट दिया, उनको बहुत मान सम्मान दिया, और अच्छे से उनको रिक्वेस्ट किया कि हम केस नहीं छोड़ सकते, जो भी होगा मीडिया ट्रायल में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लीगली आदिल अगर रॉन्ग है तो उसको सज़ा होना चाहिए, राखी अगर रॉन्ग है तो उसको सज़ा होना चाहिए, और दोनों अगर बेगुनहगार हैं तो दोनों को सज़ा नहीं होना चाहिए, पर ये मैटर ख़त्म हो जाना चाहिए। रोज़ रोज़ नए लोगों को लाना, रोज़ रोज़ नए नाम लाना, या रोज़ रोज़ एक नया झूठ लाने से मीडिया का टाइम वेस्ट, लोगों का टाइम वेस्ट, और हम जैसे लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। इस चीज़ को छोड़ के प्रॉपर तरीके से, इज्जतदार तरीके से लीगली आप आइए, आपको हर चीज़ का हम जवाब देंगे। वापस से बोलूँगा, ना आदिल की तारीफ करूँगा ना राखी की करूँगा, आदिल मेरा भाई है, राखी मेरी बहन है, मे द बेस्ट पर्सन विन। क्या बात, राखी इल्जाम लगा दी कि आदिल तो बिग बॉस पर जा रही है, प्रमोशन कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, आदिल के पास बहुत सी चीज़ें आ रही है, सिर्फ जो चीज़ का आपने नाम लिया वो तो छोड़ दो, बहुत सी चीज़ है, पर हम ये बोलते हैं कि एक राइट टाइम आने पर हम पिक्चर का, म्यूजिक वीडियोज़ का, शोज़ का, हर चीज़ का डिक्लेरेशन इस मीडिया के सामने करेंगे, क्योंकि हमारे हक की लड़ाई में इस मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया और बहुत हमारी जो सच्चाई उसको दिखाने में हमारी मदद करी, इसके लिए आदिल की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू वेरी मच। देखिए अभी ऐसा है कि हमको पुलिस ने बताने मना किया है, पर जो कल धाराओं के तहत जो हमने कंप्लेंट डाली है जिसमें 354 है, 504 अपना 504 है, 506 है, 509 है, 67A है,
सो बहुत सी धाराओं को लेकर बहुत सी कंप्लेंट है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमारी तरफ से हमने सारे प्रूफ दिया है, सारी चीज़ दिया है, क्योंकि हमारे एडवोकेट्स बैठकर एक एक बारीकी से चीज़ों की करते हैं, ना कि सिर्फ कंप्लेंट करने गए, पुलिस स्टेशन में गए, बाहर आए, फोटो खिंचाए, मीडिया को बोल दिए, FIR हो गया। बिल्कुल नहीं, हमारा बोलना ये है पूरी इन्वेस्टिगेशन हो, अगर हमारे तरफ से हमारी दी हुई स्टोरी राइट है उसके ऊपर पुलिस एक्शन ले। सत्यमेव जयते, हमको पुलिस पे पूरा भरोसा। कौन मेरे दोस्त? मैं जानता ही नहीं वो लोगों को, मैंने पहले भी कहा। सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, वो मेरे कोई दोस्त नहीं है। मैंने हाल ही में भी कहा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो मेरे कोई दोस्त नहीं है। दोबारा ये कहना चाहूँगा, अगर पैसों की बात आती है तो राखी सावंत ऑटो में ही थी, जब मेरी लाइफस्टाइल थी तो BMW में घूमती थी, आज वो दोबारा ऑटो में घूम रही है और अभी वापस एक गाड़ी लेने मैसूर जा रही है कोई नए लड़के को फंसा के, वो मेरा कुछ लेना देना है नहीं। मेरा और राखी का लीगल मामला है, राखी ने मेरे साथ अन्याय किया है, मैं जेल गया था एक झूठे केस में, मैं बाहर आया हूँ और मेरा स्ट्रेट राखी से मुद्दा है और राखी के साथ बैटल है, और राखी ऑफ बीट करके नए नए कैरेक्टर्स को लाती है इस मुद्दे को दबाने के लिए, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। और राखी के जितने भी दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं वो राखी के विक्टिम्स हैं, और राजश्री हो गई या तनुश्री दत्ता हो गई या शर्लिन हो गई, वो राखी के विक्टिम्स थे और राखी के विक्टिम्स हैं, और आप लोगों को भी पता है वो उनके विक्टिम्स हैं। वो ज़रूर वो उनकी विक्टिम थी 2018 में, जब उनको लगा, जब हमारे मुद्दे चल रहे उनको लगा कि मुझे भी आके बात करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में वो अकेली पड़ गई थी, वो बात नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, उनके खुद के रीजंस हैं। जब आज वो बाहर आके बात कर रही है, जब हमारा ये सब हो रहा था तो वो बाहर आके बात करके उनके मुद्दे भी रख रही है आगे। मैं सच में पूरी बसेरा की टीम को, बसेरा के प्रोड्यूसर, बसेरा के डायरेक्टर, बसेरा के DOP से लेके हर एक इंसान को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि बसेरा एल्बम अच्छा जाए और हिट रहे। और दोबारा मैं कहना चाहता हूं, मेरा भाई कल्याण जी के हमको इस सब चीज़ों में जोड़ते हैं, और ये बहुत अच्छे इंसान है, और इनका मैं इतना बोलता हूं, मेरा भाई मेरी जान, अगले महीना जो हमारा दुबई में शो हो रहा है सबको पता है, पूरी मीडिया को पता है, 27-28 को 2 दिन का मेरा दुबई में मेरा प्रोग्राम है, मेरा भाई, मेरे दोनों भाई मेरे साथ में है, हाजी भाई तो यहाँ का शहंशाह है महाराष्ट्र का, तो ये मेरा साथ है, मेरा बड़ा भाई की तरह, आदिल भाई मेरे साथ में है, राखी मेरे साथ नहीं है और ना रहेगा कभी ज़िंदगी में, नहीं लिखे गया था अभी सब पत्ता काट, आप उसका जिंदगी भर के लिए पत्ता काट ना, उसको कभी ज़िंदगी में अवार्ड देगा, उसको बाल्टी अवार्ड देगा, मैं वो भी मुंबई में देगा उसको, मेरे अवार्ड शो में 25 मैं अवार्ड शो करता हूँ साल में, उस अवार्ड शो में कभी ज़िंदगी में उसको मैं नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला जो 2 लाख रुपया मैं लेता हूँ, तो वो ठसन मेरा अंदर है, और जब तक नहीं बोलेगा जो किससे लिया मैंने और कौन सी बैंक में मेरा पैसा आया है, आदिल भाई ने दिया है, वो तब तक राखी का संपर्क में नहीं है, राखी साहब मेरे को कुछ मीडिया को गाली देता है मेरे नाम का, बाद में बोला काट दे, क्योंकि उसको पता है नंगा आदमी एक ही एक वो कल्याण जी, उससे भी नंगा हूँ मैं, तो उसको पता है भाई कल्याण जी को गाली दिया मतलब उसको भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो वो मीडिया को देने के बाद बोला काट दे, तो कल्याण जी एक ही आदमी के साथ है, आदिल के साथ है, और इसके साथ ही रहेगा, हाजी भाई के साथ है, साथ ही रहेगा, ये दो मुखा काम कभी नहीं करता, बंगाली आदमी है और जिंदा दिल वाला आदमी है, तो थैंक यू सो मच फॉर मेरा कमाल भाई, थैंक यू सो मच टाइल भाई, चलिए जी थैंक यू वेरी मच, और भी बहुत सारे गेस्ट आए हुए, और ये बसरा इतना बड़ा हिट हो, जो कमाल भाई इसी बसरा में बस जाए और साथ में जावेद मीर साहब भी बस जाए, और इसके साथ साथ में हमारे बीच में सुनील पाल साहब है जो जाने माने कॉमेडियन है, दोस्त है मेरा, बस मेरे बहुत अच्छा दोस्त है, और उन्होंने जो बसेरा म्यूजिक बनाया है, मैं पूरी टीम को उनके सब कुछ कामना देना चाहूँगी, और आई होप तो बहुत अच्छा होगा, अब देखेंगे हम, अभी आप लोग सब देखेंगे, तो बस उसको शुभकामना देना चाहूँगा, आगे जाके बहुत तरक्की करें,
ऊपर वाला उसको बहुत कामयाबी दी। अमीन, सबसे पहले तो कमाल भाई और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से म्यूजिक लॉन्च होता है और आप सब लोग आते हैं और जो एक आर्टिस्ट की मेहनत है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो मीडिया का हमेशा मैं शुक्रगुजार रहता हूं, क्योंकि आप होते हैं तो ये चीज़ लोगों तक पहुंच पाती है। और जहां तक इस एल्बम की बात है, अभी एल्बम मैंने सुना नहीं, पर मुझे यकीन है कि एक बहुत ही खूबसूरत एल्बम, जिस तरह से टाइटल है इसका बसेरा, मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। और मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि इस एल्बम को बहुत ज़्यादा सुने, सपोर्ट करें, इसको लोगों तक पहुंचाएं। तो जैसे कि आज जावेद जी ने बहुत अच्छा एक आपके आगे सबके आगे रखा है कि हम लोग एक नया लॉन्च कर रहे हैं, और आपने एक सवाल पूछा था जावेद जी से कि आपको कमाल जी में क्या खूबसूरती लगी, क्या ऐसी चीज़ अच्छी लगी सेट के दौरान। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब आप देखेंगे तो आपको खुद फील कर लेंगे कि वो इतने अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने इतना अच्छा जो वर्क किया है, वो सेम चीज़ आप देख लेंगे सब लोग, तो वो आपको आंसर मिल जाएगा कि उन्होंने क्या देखा उनके अंदर। तो उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और जाते जाते एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको, वैसे कि मैं बाहर से जब पहले तो नाम इतना अच्छा है, बसेरा, बसेरा लाइक एक फैमिली, एक कनेक्टेड नेम है बसेरा, तो इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं कि सॉन्ग की जो फीलिंग्स है वो क्या होगी। तो मैंने भी अभी सॉन्ग नहीं सुना है, मुझे नहीं पता है अभी डिटेल में ज़्यादा, बट ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल टीम, ऑल एक्टर्स, जो भी इसमें एक्टर्स हैं, जिसने भी इसको लॉन्च करने वाले हैं, जो भी इसकी टीम से जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो फॉर श्योर है कि ये गाना बहुत अच्छा जाने वाला है, बिकॉज इतने सारे लोग वेल विशर्स हैं ना, इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स गाना सुपर हिट ही होने वाला है। आप क्या बोलेंगे सर बसेरे के बारे में? कमल भाई को तो मैं पिछले कई साल से जानता हूँ मैं, और अभी उनका जल्दी एल्बम जो आ रहा है उनको उनकी पॉइंट उनको शुभेच्छा देता हूँ मैं, और ढेर सारे उसे सुना कि कभी अच्छा एल्बम चलेंगे। सर आपके बारे में, आपके गाने बहुत हिट हुए थे, कुछ आपके डांस, आपके गाने का बैंड गाने तो बहुत अच्छा लगेगा आपके गाने। हाँ, मेरे गाने जैसा कि सबको पता है वो 8 बजे के बाद वाले गाने हैं ज़्यादा। हाँ, अभी एक नया गाना जो रिलीज़ किया मैंने, मैं उसकी से बसेरा की पूरी टीम को, कल्याण भाई को, ताहिर भाई को दिल से, तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है, सोचा है उस मूवी का नाम ही सोचा है बसेरा, तो बसेरा का मतलब होता है जो जिनके पास कोई ना डेरा उसके लिए घर चाहिए बसेरा। ऐसे हमारे कल्याण जी भाई और फिरदौस जी और हमारे इशार साहब, बहुत ही फिल्मों में जिन्होंने बड़ी मूवी में डायरेक्टरशिप किया है, ऐसे इशार साहब, आज सौभाग्य की बात है कि इन लोग सब हमारे साथ में हैं। कल्याण जी जाने के बारे में तो आपको बोलना ही, बोलें कितना कम बोलें, कभी चिराग दिखाने वाली बात है। दादा साहब फाल्के के नाम पे इतना बड़ा अवार्ड कराते हैं, वो भी इंटरनेशनल लेके चले गए, दुबई लेके चले गए। बसेरा मूवी जो बन रहा है उसके जो भी डायलॉग्स हैं, जो भी गाने हैं, ये बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों को चिन्हित करके उन लोगों से कराया जाएगा। अच्छे लग रहे हैं आदिल भाई, रियल में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाइक तो देख रहे हैं कि बाइक पे पीछे बैठी वाली को देख नहीं वो कौन मुझे पता नहीं, बिकॉज नहीं खड़ी है। हाँ, आई विश मैं कमल भाई को चाहता हूँ कि ये एल्बम बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा सुपर हिट हो, और मैं तहे दिल से, सबसे मेन मेरा भाई इधर है कल्याण जी, जो हमें हर चीज़ में जोड़ने की कोशिश करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट हिम, और मैं चाहता हूँ ये गाना बहुत अच्छा सफल हो। आप भी जुड़े हो बैनर तले, आपका भी शूट होने वाला बहुत जल्दी दुबई में, कल्याण जी ने बताया कितना एक्साइटमेंट है कि आप भी। वो मेरा भाई का दिल इतना बड़ा है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया है मेरे लिए, मेरा प्रोजेक्ट आने वाला है, दुबई है 27-28, मैं पूछेंगे अड्डा। एक मिनट खाली, मैं हमारे बीच में इशार साहब आए हैं, हम लोग 15 साल से दोस्त हैं, और मैं भी एक फिल्म डायरेक्टर, म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर हूँ, और मैंने जब ये गाना का मतलब एक एडिट पार्ट पर जब मैंने इस गाने को देखा था,
उस समय में जो पता चल गया था कि भाई ताहिर कमाल ने जो 15 साल में इतनी जो कड़ी मेहनत जो की है वो जावेद मीर साहब के द्वारा निखर के सामने आ गई है, और जावेद साहब का जो एक ड्रीम था कि अपने एक म्यूज़िक कंपनी खोले, उस कंपनी को भी उन्होंने आज ही के दिन लॉन्च किया है, प्रेजेंट किया है। आज ताहिर कमाल के साथ साथ मतलब एक स्टार को देना और एक स्टार के साथ देना बहुत बड़ी बात है। आज इस पूरी इवेंट के महफिल में इतनी तमाम मीडिया, मतलब इतने सारे मीडिया को देख के ऐसा लग रहा है कि एक म्यूज़िक वीडियो का नहीं बहुत बड़ी फिल्म की लॉन्चिंग है ये, और काफ़ी सारे सेलिब्रिटी बॉलीवुड से जो आए जिन्होंने शुभकामनाएं दी ताहिर कमाल को, जावेद साहब को, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहता हूँ, आशा करता हूँ कि आगे फ्यूचर में जावेद साहब के साथ में मैं काम करूँ, इस पर इनके कंपनी में काम करूँ, एज अ डायरेक्टर काम करूँ, क्योंकि मैंने अब तक टी सीरीज जी सबके साथ काम कर लिया है, बस इन्हीं के साथ काम करना रहेगा कि आज लॉन्चिंग है तो मैंने सोचा है कि इनके साथ भी स्टार्ट किया जाए, इनकी म्यूज़िक प्रोडक्शन में काम करूँ एज अ डायरेक्टर। और इस म्यूज़िक वीडियो में जो सबसे मुख्य जो किरदार कह सकते हैं वो ताहिर कमाल जी का है, साथ ही साथ सपोर्ट जो है एज एन एक्टर इरफान रज़ा साहब का, इरफान रज़ा साहब जी के बारे में बहुत कम बोला गया था, मैं उनका मतलब टीवी से इनका फ़ैन हूँ इरफान रज़ा साहब का, कि जब वो काम कर रहे थे टीवी में सीरियल पवित्र रिश्ता में, फिल्म कर रहे थे मैंने एक लड़की चाहता उसमें लीड हीरो थे, और उनका साथ पकड़ा है, उनका साथ दिया है जावेद साहब ने, मतलब बहुत बड़ी बात है, अपने आप में ही बहुत बुलंदी वाली बात है। और जितनी तमाम मीडिया जो हमारी आई है इनको कवर करने के लिए, हमें उस मुकाम तक पहुंचाते हैं आप लोग, किसी तरह से भी हमने जो भी काम किया होता है उस काम को आप लोग निखारते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब ऐसे प्रोग्राम करते रहे, ऐसे म्यूज़िक वीडियो बनाते रहे जिसमें हम लोग हमेशा आए और काम करें आपके साथ में। जी, सबसे पहले तो मैं पुनीत भारद्वाज पूरी टीम की मेहनत को दाद देता हूँ कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग इसको कवर कर रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो गाना है, जो एल्बम है, ये मीडिया और लोगों को पसंद आए और वायरल हो जाए। आजकल वायरल का ज़माना है, तो इसका कोई भी एक दो तीन पार्ट वायरल हो जाए और इनका ये मुहिम जो है आगे और भी चलता रहे, ज़ोर शोर से और भी प्रोड्यूस करते रहें, नए नए कलाकारों को चांस देते रहें। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, स्क्रीनिंग का भी टाइम हो गया है, तो बहुत बहुत बधाई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जावेद मीर साहब ने पूरी दुनिया घूमी है, दुनिया के हर शहर हर कंट्री घूमी है, उसके बाद उन्होंने अगर हिंदुस्तान से कोई हीरा चुना है वो मेरा दोस्त ताहिर कमाल, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। पहली बात तो सभी लोगों को सलाम आदाब और नमस्कार। कमाल साहब तो एक अच्छे एक्टर है ही हैं, और अच्छे एक्टर के साथ साथ मेरे अच्छे दोस्त हैं। इससे पहले अभी 15 दिन पहले मेरा एल्बम आया तो उसने भी परफॉर्म किया था, सॉन्ग था जवान, और जवान का काफ़ी फ़ायदा मिला और अच्छे से हिट हुआ, लोगों ने पसंद किया, आप ही सब लोग साथ में थे और आप सब लोगों ने काफ़ी साथ दिया था। अभी मीर साहब हमारे ये बसेरा के प्रोड्यूसर हैं और उनका खुद का बैनर है, और हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो दिल से कि मालिक इनको कामयाब करें। सर, सबसे पहले तो मैं कमाल भाई को करीबन 12-15 साल से जानता हूँ, और उन्होंने जिस तरह की मेहनत करके इस लेवल तक पहुँचे हैं वो बहुत ही मतलब काबिले तारीफ है। और मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मतलब पहले भी उन्होंने मेरे साथ भी काम किया है, बेहतरीन कलाकार है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे इंसान है। तो ऐसे लोगों को आगे आना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन हमेशा देते आए और हम हमेशा देते रहेंगे, और हम सबको मिलकर ऐसे लोगों को काफ़ी आगे निकालना चाहिए। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना उनको, मीर साहब को, उनकी ये नई एल्बम के लिए। थैंक यू सो मच। कमाल भाई बहुत मेहनती इंसान है, बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, और मैं यही शुभकामना देता हूँ कि ईश्वर करे गणपति बप्पा का समय है, गणपति बप्पा का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो, और उनका ये जो एक्टिंग है, जो एल्बम है, सुपर डुपर हिट हो। लुक मुझसे थोड़ा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा खूबसूरत तो मैं ही हूँ, पर थोड़ा मेकअप करके ये अच्छे लग रहे हैं इसमें। नमन है, मीडिया हमारा हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ है, और कमाल भाई हमारा पांचवा स्तंभ है।
क्योंकि कमाल मेरा सबका कमाल करते हैं, और कमाल भाई को मेरा नमन है, मीर भाई को मेरा नमन है, जावेद मीर साहब, क्योंकि इस जो एल्बम है इसका वो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, ताहिर कमाल खान साहब और इरफान साहब मिलकर इसमें भूमिका निभाया है, और मेरे बीच में बैठा है इशार साहब जो एक बेहतरीन डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है।